जो कर्तृत्व है और जो भी इनके पुरस्कार है, ये पढ़ते जाऊंगा तो मुझे और आधा घंटा लग जाएगा, तो इसको मैं संक्षिप्त में बताना चाहूंगा कि पांडे सर डिड हिज एमएससी इन फिजिक्स फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर। इन फिजिक्स हिज स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट वाज सेमीकंडक्टर फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स ए स्पेशल पेपर। ही डिड डीआईटी इन इंडस्ट्रियल फिजिक्स फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर ओनली, स्पेशलाइजेशन इन इंडस्ट्रियल फिजिक्स। ही डिड पीएचडी इन फिजिक्स फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर इटसेल्फ इन फिजिक्स। And he has many more skills, most of us know him and I also adore him a lot. He is the one of those person whom I fear a lot. जिनसे अक्सर चर्चा होती है। He likes to talk to youngsters like us. He keeps on encouraging always. और इनके बहुत सारे पुरस्कार हैं, बहुत सारे memberships हैं, बहुत सारे awards हैं। तो मैं बोलना चाहूँगा, मैं ज़्यादा समय नहीं लेते, मैं उनको request करूँगा कि सर आप please आए। ये पास कितना, कौन आया और किसके पास कितना, मैं करूं अब शब्द पर विश्वास कितना, कर रहे इस मध्य छल व्यापार, आए कितना क्षीण होता शब्द का आधार। इनकी बातों पर ज्यादा मत जाइए। माननीय मुख्य अतिथि डॉक्टर तपन चक्रवर्ती जी, माननीय प्रोफेसर डॉक्टर विलास तभाने, फिजिक्स वाले हैं, मैं जो कुछ बोलना चाहता था वो पहले बदला गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बताऊं। डॉक्टर अर्चना मिश्रा, जिन्होंने महिलाओं के उत्थान के बारे में अपना विशिष्ट वक्तव्य दिया, बट मैं ये कहना चाहूँगा कि नागपुर में जो मैंने देखा है, महिलाओं को ऊर्जा की कम जरूरत है, पुरुषों को ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत है। तो वो जो आपने ऊर्जापूर्ण भाषण दिया महिलाओं के लिए, वो पुरुषों के लिए दे तो उनका ज्यादा हमारे छोटे छोटे बच्चे, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि प्राइज लेने के बाद भी वो बैठे हुए हैं। हेलो, मेरे संस्थान के तमाम सहयोगी महिलाओं एवं सज्जनों एवं महिलाओं, आज डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जयंती समारोह का आयोजन है। मैं कभी कभी बहुत गंभीर रूप से सोचता हूं, आखिर हम आयोजन करते किस लिए? किसी भी आयोजन के पीछे जो मूलभूत तत्व होता है वो है आनंद की प्राप्ति। कुछ अच्छा लगे, कुछ लोगों से मिले, कुछ लोगों का उद्बोधन सुने, कुछ लोगों के विचार जाने, कुछ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो, कुछ भोजन ग्रहण करें, इन सब के पीछे एक ही अनुभूति का उद्देश्य होता है, वह होता है आनंद की प्राप्ति। हम जितने महापुरुषों का अभिनंदन करते हैं वो भी इसी आनंद की प्राप्ति के लिए अलग अलग मार्गों से अग्रसर हुए। भगवान बुद्ध हमारे ही राज्य के हैं वो, इसलिए मुझे उनका सबसे पहले उनके प्रति मेरी श्रद्धा आती है और प्रेम उमड़ता है। सारा राज पाठ मोह माया छोड़कर, वो एक राजा के पुत्र थे, राजकुमार थे, शादी हुई, पत्नी को भी छोड़कर, बच्चा भी हुआ उसे भी छोड़कर, वो आखिर किस आनंद की तलाश में निकले होंगे? स्टीफन हॉकिंस नहीं बता पाएंगे। हम कहां से आए, कैसे आए, क्यों आए, कहां जा रहे हैं, कहां जाएंगे, और अंत में उन्होंने बता ही दिया, लगाने साहब ने फिजिक्स में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ने बोला कुछ 20 ग्राम या कुछ ऐसा आपने बताया, 20 ग्राम, हाँ 20 ग्राम, और पता नहीं सबका 20 ग्राम ही होता है। इसके ऊपर प्रयोग करने का, अनुसंधान करने की आवश्यकता है, निधि में कुछ रिसर्च कार्य इसके ऊपर किया जा सकता है कि पर्यावरण प्रदूषण का प्रभाव उस 20 ग्राम के ऊपर कितना पड़ता है। बट वो 20 ग्राम और कुछ नहीं, अंत में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही है। धर्म कोई भी हो, मार्ग कोई भी हो, ब्रह्म कितने ब्रह्मांड होंगे ये भी मुझे नहीं मालूम,
और ये समझ लीजिए कि वो चाहे स्टीफन हॉकिंस हो या आइंस्टाइन हो, ब्रह्मांड की जो कल्पना और जो अवलोकन हम प्रस्तुत करते हैं मात्र उन्हीं यंत्रों के आधार पर करते हैं जो हम खुद इजाद कर सकते हैं। मतलब हम ब्रह्मांड को उतना ही समझ सकते हैं जितना हम समझ सकते हैं, उतना ही समझा है। वही ब्रह्मांड, वही संपूर्ण ब्रह्मांड है ये बता पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हमने कुछ हमारी समझ आई, हमने कुछ यंत्र याद किए, उन यंत्रों के आधार पर हमने ब्रह्मांड की पहले परिकल्पना की और उस परिकल्पना को परिपूर्ण किया, यंत्रों के माध्यम से वैलिडेट कर दिया कि यही ब्रह्मांड होना चाहिए। और जैसा कि वो स्प्रिंग वाला प्रयोग लगाने जी ने दिखाया कि आप मन में जब सोचिए उसी तरह से वो आपका पेंडुलम घूमता रहेगा, तो ये जितना कुछ हम लोगों ने अवलोकन किया है, जितना कुछ विहंगावलोकन किया है, वो हमारी खुद की कल्पना है, हमारे खुद के इजाद किए हुए औजार हैं, यंत्र हैं, और उन्हीं के माध्यम से हमने एक ब्रह्मांड का परिचित्र परिदृश्य सबके सामने उपस्थित किया है और फिर हम उसको मानने लगते हैं, उसी का पालन करने लगते हैं। मैंने जितना समझा है, ब्रह्मांड तक जाने की मेरी इच्छा भी नहीं है, बचपन में इच्छा हुआ करती थी, बट जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है मनुष्य को अपना अज्ञान अपने सामने अपने समक्ष आने लगता है। इसमें सोमरसेट मॉम की बहुत एक किताब थी केक से मेल, जो बचपन में मैं पढ़ा करता था, और उसकी बहुत अच्छी लाइन है, ब्यूटी इज ए पीक विच वंस रीच्ड, ब्यूटी इज ए पीक विच वंस रीच्ड लीड्स यू मूव वेयर, अर्थात सुंदरता वो शीर्ष है, वो उत्कर्ष है जहाँ पहुँचने के बाद मनुष्य को सहसा यह एहसास होने लगता है कि अब जाए तो जाए कहाँ। ज्ञान के बारे में भी ठीक वही बात हुआ, जब आपको बहुत ज्यादा ज्ञान हो जाता है तो आप समझ लीजिए आप अज्ञान के चरम उत्कर्ष पर पहुंच गए हैं, क्योंकि न्यूटन के शब्दों में दिस इज जस्ट ए ड्रॉप इन द ओशन। जब ये स्थिति है 10^23 किलोमीटर का ब्रह्मांड ही अभी तक वैज्ञानिक महान वैज्ञानिक खोज पाए हैं, जब स्थिति ये है तो उसमें हमारा अस्तित्व तो उतना ही भी नहीं है जितना एक चींटी का अस्तित्व है गुड़ के ठेले पर। लेकिन हम अपने बारे में सोचते क्या हैं, मैं इतना महान वैज्ञानिक हूं, मैं ये हूं, महापुरुष हूं, ये हूं, और तमाम तरह के झगड़े धर्म जाति सेक्स इन चीजों के ऊपर हम करते रहते हैं, मुझे बहुत ही बुरा लगता है। महात्मा गांधी को 2 अक्टूबर के दिन हम उनको माला पहनाते हैं, लेकिन उन माला पहनाने वाले लोगों से पूछिए कि उन्होंने गांधी जी के जीवन का कितना अध्ययन प्रस्तुत किया है, पढ़ा है, गांधी जी के बारे में कितना जानते हैं, गांधी जी को कितना फॉलो कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से डॉक्टर अंबेडकर को आके हम लोग माल्यार्पण करते हैं, लेकिन हमने उनके जीवन से सीखा क्या, भगवान बुद्ध से हमने सीखा क्या। आप माताओं पिताओं उनसे पूछिए कि क्या आप अपने बच्चों को महात्मा गांधी बनाना चाहेंगे, कितने लोग बोलेंगे हाँ। पूछिए लोगों से कि क्या आप अपने बच्चे को भगवान बुद्ध बनाना चाहेंगे, पूछकर देखिए अमिताभ बच्चन बनाना चाहेंगे तुरंत हाँ, शाहरुख खान बनाना चाहेंगे तुरंत आपको हाँ, बच्चियों को ऐश्वर्या राय बनाना चाहेंगे हाँ। हमारा समाज कर क्या रहा है, माला हम किसी और को पहनाते हैं और अनुकरण किसी और का कर रहे हैं, वो समाज कहां जाएगा। महापुरुषों के लिए पुण्य तिथियां मनाना, उनके लिए जयंती मनाना बहुत ही अच्छा कदम है, कम से कम साल में एक बार तो हमें उनकी याद आती है, लेकिन उससे अच्छा कदम ये हुआ होता कि हम उनको हर क्षण याद करते और उनका अनुसरण करने का प्रयास करते हैं, प्रयास भी नहीं कर रहे। अनुसरण करने की बात तो छोड़ दीजिए, प्रयास के कर हम प्रयास क्या कर रहे हैं, महात्मा बुद्ध राजपाठ छोड़कर बाहर आए और हम जब भगवान के सामने खड़ा होते हैं तो हम चाहते हैं कि मुझे जितने धन संपत्ति मिल सके उतना दे दो, और भगवान पर भी विश्वास नहीं, क्योंकि अगर भगवान पर विश्वास होता तो फिर बाकी प्रयास करते ही नहीं, तो हम पूजा उसकी कर रहे हैं जिस पर विश्वास नहीं है। समाज में अविश्वास, असुरक्षा, एक दूसरे के ऊपर संदेह,
इस तरह की भावनाएं क्यों इतने उत्पन्न हो रही है? दूसरी तरफ हम कहते हैं विकास कर रहे हैं। अगर हम सचमुच विकास कर रहे होते तो विकास में कम से कम, विकास के माध्यम से हमें कम से कम तीन चीजें मिलनी चाहिए। एक तो हम शिक्षित होते, एक हम स्वस्थ होते। अब शिक्षा का आप लीजिए, अगर आप सुशिक्षित हैं तो आप में लड़ने भिड़ने की प्रवृत्तियां कम होनी चाहिए। तो अगर आप शिक्षित हैं, कम लड़ेंगे तो आपके डिफेंस मिनिस्ट्री का बजट कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए। लेकिन हर साल हर देश का, और ये भारत के साथ ही नहीं है, सारे देशों का डिफेंस बजट बढ़ता ही जा रहा है। मतलब हमें लड़ने भिड़ने की प्रवृत्तियां बढ़ती जा रही। तो ये हम विकसित तो होने का नाटक कर रहे हैं या सचमुच विकसित हो रहे हैं? स्वास्थ्य अगर हमारा सुधरता तो समाज में कम से कम डॉक्टरों की जरूरत पड़ती, हॉस्पिटल्स की संख्या कम होती जाती, दवाइयों की मात्रा कम होती जाती। लेकिन होता तो ऐसा नहीं है, डॉक्टरों की संख्या दिनानुदिन बढ़ रही है, हॉस्पिटलों की संख्या बढ़ रही है, और दवाइयां तो आप पूछ लीजिए, एक ही बीमारी के लिए आपको लाख दवाइयां मिल जाएंगी। तो आप अपने हृदय को टटोलिए और देखिए कि आप सचमुच विकास कर रहे हैं क्या, और ये सारी परिस्थितियां क्यों आ रही हैं? इसलिए आ रही हैं कि हमारे ये जो नन्हे मुन्ने बच्चों को, श्रीमती मेश्राम जी ने भी उस चीज पर प्रकाश डाला, नन्हे मुन्ने बच्चों को जो शिक्षा दी जा रही है, उस शिक्षा में जो प्रदूषण है वो पर्यावरणीय प्रदूषण से ज्यादा घातक है। आप ये सोचिए, प्राइमरी स्कूल का टीचर कौन होता है? समाज का एक अदना सा व्यक्ति, जिसे कुछ और कोई रोजगार नहीं जुटा पाया, रोजगार के लिए संघर्ष करता रहा, एक दिन किसी न किसी तरह से जुगाड़ बैठाकर प्राइमरी स्कूल का टीचर पड़ गया। और शिक्षा की उस नींव पर हमारा समाज खड़ा है। और आप चाहिए 100 मंजिले मकान बना लीजिए, लेकिन अगर आपकी नींव बालू की है तो उस मकान का क्या हश्र होगा, इसके लिए मुझे ज्यादा विस्तार से बोलने की जरूरत नहीं है। जरूरत इस बात की है कि हम इन सारे वैज्ञानिक तत्वों को ध्यान से देखें, उनमें गहराई से जाएं, उनके भीतर जो अंतर्निहित सत्य छुपा हुआ है उसको पहचाने और उसके अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। जो हम देख सकते हैं, जो हमारे सामने है, जो ब्रह्मांड हम देख ही नहीं सकते, उसका हम क्या कर पाएंगे? स्टीफन हॉकिंस भी बेचारे ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। लेकिन जो हम देख सकते हैं वो ये है कि हमारा शरीर, कम से कम उसको सही दिशा में ले जाए। शरीर 5 ज्ञान इंद्रियों और 5 कर्म इंद्रियों का से बना हुआ है, और इसलिए वो सही ढंग से चलता है कि उन 5 ज्ञान इंद्रियों और 5 कर्मेंद्रिय का जो वायु रिदम है वो सिंक्रोनाइज करता है। वो उसी तरह से है जैसे एक ऑर्केस्ट्रा पार्टी हुआ करती है, जिसमें एक गायक होता है, एक तबला बजाने वाला होता है, एक सितार बजाने वाला होता है, एक मृदंग बजाने वाला होता है, और जब सब एक सुर में अपना लय मिलाएंगे तभी आपको संगीत की वो जो ध्वनि आएगी वो आकर्षक लगेगी। उसी तरह से शरीर के जितने कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय हैं, अगर हम उनको सही दिशा में नहीं लाए, उनका सही संयोजन नहीं करें, उनका सही तालमेल नहीं बैठाएं, तो हम विकास की परिकल्पना ही करते रह जाएंगे, विकास को कभी पा नहीं पाए। और जब शरीर का कर लेंगे तभी हम मन तक पढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी भी हमारी तमाम वैज्ञानिक उपलब्धियों के बावजूद भी वो यंत्र ईजाद नहीं कर पाए हैं जो मन को खोज लेती है, जो उस पेंडुलम को आगे पीछे बढ़ाती रहती है, चाहे वो पेंडुलम स्थिर हो। वे मन को भी हम कंट्रोल नहीं पाए हैं, खोज नहीं पाए हैं, और दूसरों का क्या, अपने मन को भी हम पहचान नहीं पाए। तब हम अपने कम से कम पहले शरीर से शुरू करें, शरीर को स्वस्थ रखें, मन की तलाश करें, शरीर और मन का सामंजस्य बैठाएं, फिर मन से ऊपर उठें, आत्मा के साथ इन दोनों का सामंजस्य बैठाएं, और वो हम तभी कर पाएंगे जब हम सबको ब्रह्मांड की एक एंटिटी माने
न इस धर्म से जोड़े, न उस धर्म से जोड़े, न इस जाति से जोड़े, न उस जाति से जोड़े, न पुरुष के रूप में पहचाने, न नारी के रूप में पहचाने। हम सब एक जीव है और अधिकतर धर्मों का मूल तत्व यही है। ये हमारा अहम है जो हमें ये प्रेरित करता है कि मनुष्य ही सबसे अच्छा और उत्तम जीव है। और हम लोग को इंजीनियरिंग में कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बताई जाती है, आप मिनिमम कॉस्ट से जितना बेनिफिट उठा सकें वही आपकी विद्वत्ता साबित करता है। आप देखिए, कल्पना कीजिए, हम हर वक्त कुछ न कुछ शिकायत कर रहे हैं, मुझे ये नहीं मिला, उनको ये, उनके पास ये है, उनको ये मिल रहा है, मेरे साथ ये अन्याय हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है। मान लीजिए पूरा समाज कीचड़, या भैंस की तरफ देखिए, कीचड़ में रहकर भी उसको आनंद लेने का ये मालूम है, और हम अपने आप को भैंस से ऊपर समझते हैं, लेकिन हम शहर में रहकर भी उसका आनंद नहीं उठा पा रहे, क्योंकि सुबह शाम हमें शिकायत करने की आदत लगी, ये सरकार ने ये नहीं किया, इंडस्ट्री ये कर रही है, मेरी वाले अधिकतर बोलते पाए जाएंगे आपको, इंडस्ट्री ये कर रही है, हमारे पड़ोसी ने ये किया, उस जाति के लोगों ने अन्याय किया, हमारी पत्नी ऐसा कर रही है, हमारी पति ने मेरे साथ ये किया, सास ने ऐसा किया, ससुर ने ऐसा किया। सुबह से शाम तक हम शिकायतों से भरपूर हैं। देखिए, हमारे जब कुछ दिनों पहले हमारे एक कक्ष में हुआ, हमारा शयन कक्ष था, उसके बाहर खिड़की के ऊपर एक पंडुक ने अपना घोंसला बनाया था, और उन दोनों जोड़ों ने एक बच्चे को जन्म दिया। हम लोग इसी सोच में थे, इसको हटाए नहीं हटाए, बच्चे को जन्म दिया 21-22 दिनों तक, और पुरुष नर और नारी का सामंजस्य देखिए, उन लोगों ने शायद श्रम विभाजन कर लिया था। कुछ दिनों तक महिला बैठती थी, अंडे की रक्षा करती थी, कुछ दिनों तक पुरुष बैठता था। अंत में वो अंडा जो है एक दूसरे पंडुक के रूप में परिवर्तित हुआ, दूसरा पक्षी बना, और कुछ दिनों तक वो उड़ नहीं पाता था। उन दिनों तक भी इन दोनों नर नारियों ने, पंडुक नर नारियों ने उसका संरक्षण किया, और एक दिन वो उड़ने लगा। मैंने ध्यान से सोचा, एक निरीह पक्षी पंडुक, उसने सृजन की परंपरा बढ़ाई, उसे न डॉक्टर की जरूरत पड़ी, न हॉस्पिटल की जरूरत पड़ी, न सुरक्षा के लिए सुरक्षा गार्ड कर्मियों की जरूरत पड़ी, और आराम से वो आकाश में विचरण करके उड़ते हुए आनंद का अनुभव कर रहा है। और यह मनुष्य दिन रात अपने अहम का उद्गार व्यक्त करते हुए एक कदम भी सही कदम नहीं चल पा रहा, हर कदम पर उसे किसी न किसी की जरूरत है। सुबह में मेड सर्वेंट की जरूरत है, स्कूल में टीचर की जरूरत है, हॉस्पिटल में डॉक्टर की जरूरत है, फिर घर में सुरक्षा के लिए सुरक्षा कर्मियों की जरूरत है। कोई भी काम हम अपना नहीं कर सकते, और उसके बाद सरकार को गाली देंगे, लोगों को गाली देंगे और कोसते रहेंगे। हमें इन समस्याओं का निदान खुद ही ढूंढना पड़ेगा। और मैं तो बोलता हूं कि देश का हर नागरिक अगर स्वार्थ परक भी हो जाए, स्वार्थी हो जाए, मैं अपना उद्धार खुद कर लूंगा, मुझे दूसरों की चिंता नहीं है, मैं अपना उद्धार खुद कर लूंगा और खुद कर लूंगी, हमारा समाज अपने आप ही बहुत स्वस्थ और सुसंस्कृत समाज हो जाएगा। आपको क्या चाहिए? हर नागरिक ने यह प्रण कर लिया कि उसे दूसरों की चिंता नहीं है, लेकिन वो अपना उद्धार कर लेगा, केवल अपना उद्धार। हम वो भी नहीं कर पा रहे, उसके लिए हम उस आदमी की तरफ देखते हैं जिसके ऊपर 125 करोड़ लोगों का, जिसके कंधे पर 125 करोड़ लोगों का भार है, और उससे हम अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ रहे हैं। हम अपनी समस्याओं का समाधान खुद ही नहीं ढूंढ पाते तो दूसरों का क्या, समस्याओं का समाधान कैसे ढूंढ पाते। ये सारी चीजें हैं समाज में, इन पर विचार करना चाहिए। बच्चों को शिक्षा उस तरह की दी जानी चाहिए। कई बार मैं IIT में भी अपने प्रोफेसर लोगों से बोलता था कि जो शिक्षा दी जाती है IIT में, उसका व्यावहारिक जीवन से क्या संबंध है? बेसल फंक्शन, जेकोबियन, हार्मिशियन, तो कोई व्यावहारिक जीवन से कोई संबंध नहीं है। शिक्षा वैसी देनी चाहिए जो मनुष्य को मनुष्य बना सके, और इसलिए हमारा प्राइमरी एजुकेशन में रिफॉर्म्स की बहुत जरूरत है, और सारी समस्याओं का समाधान, वो चाहे पर्यावरण की समस्याएं हो, समाज की समस्याएं हो, जो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री में नहीं है, वो डिफेंस मिनिस्ट्री और ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में है। आप लोग हम कुछ
विचार आपको सहज ग्राह्य होंगे, कुछ विचारों में आपको गूढ़ चिंतन करना पड़ेगा, बट मैं चाहता हूँ कि हम तोते की तरह नहीं बनकर इन समस्याओं पर गूढ़ चिंतन करें, उनके बारे में सोचें, अपना जीवन स्वस्थ बनाएं, अपने पड़ोसियों का जीवन स्वस्थ बनाएं, तभी हमारा समाज, हमारा देश, हमारा विश्व, हमारा महाद्वीप आनंद की प्राप्ति कर सकेगा। भगवान बुद्ध को भी आनंद की तलाश थी, बाबा साहब अम्बेडकर को भी आनंद की तलाश थी, मुझे भी आनंद की तलाश है, आपको भी आनंद की तलाश होगी, और हम आनंद की तलाश करें और इन महापुरुषों से सीखें। धन्यवाद।